अप्पा एक स्टोरी है जिसमें एक मर्डर हुआ है। दोस्तों आज का ये काउंटडाउन स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है जो कि थ्रिलर वेब सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और आज के इस काउंटडाउन में हम कुछ ऐसी वेब सीरीज के बारे में बात करने चाह रहे हैं जो कि शायद हॉलीवुड की थ्रिलर सीरीज से भी बहुत ज्यादा बेहतर है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 10 ऑटो शंकर। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है गौरी शंकर जो कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था तमिलनाडु में, और उसी के कंप्लीट लाइफ को इस पूरे वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह वो एक नॉर्मल ऑटो ड्राइवर से एक छटा हुआ क्रिमिनल बनता है। इवन उसने बहुत सारे मर्डर्स भी किए होते हैं अपने लाइफ में। सीरीज रिलीज की गई है Z5 पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 9 पाताल लोक। सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अचानक से ही कुछ क्रिमिनल्स एक्चुअल में पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं, लेकिन इन क्रिमिनल्स के पीछे असल में क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, इवन इन क्रिमिनल्स का असल में क्या मोटो है, ये जानने के लिए पुलिस बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन फिर भी उनके मुंह से कुछ भी उगलवा नहीं पाती है। और लास्ट तक इन क्रिमिनल्स का असल में क्या मोटो है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट है। सीरीज रिलीज की गई है Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 8 कैंडी। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अचानक से ही एक डेड बॉडी जंगल में पाई जाती है, लेकिन लोगों का ये मानना रहता है कि उसे किसी पिशाच ने मार दिया है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह से क्रिमिनल को ढूंढ कर निकालना चाहती है। और लास्ट तक पुलिस अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करती है, इवन इस मिस्ट्री को किस तरह सॉल्व करती है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की स्टोरी स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जो कि मिस्ट्रियस सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। सीरीज रिलीज की गई है बूट सेलेक्ट पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। नंबर 7 अरण्यक। सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अचानक से ही एक स्टूडेंट की डेड बॉडी एक जंगल में पाई जाती है, और पुलिस किसी भी तरह से इस डेड बॉडी की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी पौराणिक दंतकथा उस गांव में फैली हुई रहती है जो कि लोगों को बहुत ज्यादा डराती रहती है। दंतकथा एक्चुअल में एक पिशाच को लेकर बनाई जाती है, और वो पिशाच लोगों को किस तरह मारता है ये भी उस गांव में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सीरीज में देखने लायक है दोस्तों कि आखिरकार उस लड़के को किसने मारा, किसी पिशाच हाथ था या फिर किसी इंसान का हाथ था। सीरीज की स्टोरी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग दी है 10 में 7.8। नंबर 6 द लास्ट आर। सीरीज बेस्ड है क्राइम फैंटेसी एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे समुदाय से जो कि लोगों के मरने से एक घंटे के पहले के सारे रहस्य को उजागर करती है, यानी कि उस व्यक्ति की मौत किस तरह हुई, इवन मरने से एक घंटे पहले उस इंसान ने क्या क्या किया था, ये सारी की सारी चीजें वो समुदाय बोल सकती है। लेकिन पुलिस इस समुदाय का एक अलग ही रूप से इस्तेमाल करना चाहती है, और पुलिस इन्हें किस तरह इस्तेमाल करती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज रिलीज की गई है Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 5 तकदीर। सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कैसे ट्रक ड्राइवर से जो कि डेड बॉडीज को शमशान घाट पहुंचाने का काम करता है, लेकिन अचानक से ही उसे एक दिन अपने ही ट्रक में एक ऐसी डेड बॉडी मिलती है जिसके बारे में उसे किसी भी तरह से अंदाजा नहीं रहता है। असल में ये डेड बॉडी किसकी है और असल में वो डेड बॉडी उस गाड़ी में किस तरह आई, ये सारी की सारी मिस्टीरियस चीजें इस सीरीज में रिवील करने की कोशिश की गई है। सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई गई है। सीरीज को चाहे तो आप डायरेक्टली MX प्लेयर पर भी देख सकते हैं, वो भी फ्री में, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.7। नंबर 4 नवंबर स्टोरी। सीरीज बेस्ड है क्राइम फिक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ब्रूटल मर्डर से जहां पर एक औरत की मौत बड़ी ही बेरहमी से कर दी जाती है, लेकिन इसी बीच पुलिस किसी भी तरह से इस केस को सॉल्व करना चाहती है, लेकिन और दूसरी तरफ एक बेटी जो कि अपने पिता को बचाना चाहती है पुलिस के हाथों से, क्योंकि पुलिस का संदेह उनके ही ऊपर आता है। और लास्ट तक वो बेटी अपने पिता को किस तरह बचाती है, इवन असल में मर्डर कौन निकलता है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। नंबर 3 सेजल द वॉर्टेक्स। सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है दो टीनेजर्स की मर्डर से, और इन दोनों की डेड बॉडी एक तालाब में पाई जाती है, और वहीं से कहानी की शुरुआत होती है, और इनके मर्डर के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, और लास्ट तक इस मर्डर मिस्ट्री को किस तरह सॉल्व की जाती है इस सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। सीरीज रिलीज की गई है Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.3।
नंबर टू दिल्ली क्राइम सीरीज बेस्ड है ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में निर्भया केस को दिखाती है, जिसमें एक लड़की को ब्रूटल तरीके से रेप करके मार दिया गया था और इस केस को दिल्ली पुलिस किस तरह सॉल्व करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग दी है 10 में 8.5। और लास्ट नंबर वन पर हम बात करेंगे असुर वेलकम टू द डार्क साइड सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में किलर आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक लगने वाला है। किलर एक्चुअल में लोगों को मारता है लेकिन इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से, और असल में वो लोगों को सिर्फ इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से ही क्यों मार रहा होता है, इस मिस्ट्री को जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट है, इवन सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सीरीज रिलीज की गई है बूट सेलेक्ट पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का कमेंट पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्हें भी मूवी रिव्यू या फिर वेब सीरीज रिव्यू में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है वो प्लीज मेरे नए चैनल बापू निमजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल में जाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।